दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ झंडू का विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल का रिव्यू। दोस्तों काफ़ी फेमस और पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्केट में ये। आपने इसका टीवी में ऐड ज़रूर देखा होगा दोस्तों, इसका अखबारों में टीवी में काफ़ी ऐड आता है। तो दोस्तों इसके यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके MRP के बारे में। इसका MRP कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 215 रुपये इसका MRP है। और बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये इमामी कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों ये झंडू का विगोरेक्स जो प्रोडक्ट है ये इमामी कंपनी ने ख़रीद लिया है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इमामी कंपनी ही करती है। तो दोस्तों कई सारे झंडू के प्रोडक्ट जो हैं इमामी कंपनी ने ख़रीद लिए हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी झंडू ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों वो ब्रांड उन्होंने कंपनी वालों ने ख़रीद लिया है। तो दोस्तों क्योंकि ब्रांड काफ़ी सालों से मार्केट में बिक रहे हैं और काफ़ी फेमस और पॉपुलर हो गए हैं, तो इसलिए कंपनी ने इन ब्रांडों को ख़रीद लिया है। लेकिन अब जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इमामी कंपनी करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके साल्ट के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, किन किन चीज़ों से मिलकर ये दवाई बनी है। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, 100% आयुर्वेदिक कैप्सूल है, और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके कि क्या क्या इसके अंदर साल्ट डाले हुए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसके अंदर होता है अश्वगंधा, और उसके बाद होता है सतावरी, उसके बाद होता है कौंच बीज, सफ़ेद मुसली, गोल्ड भसम, यशद भसम, गोक्षुर और शिलाजीत। दोस्तों ये आठ जड़ी बूटियों से मिलकर ये कैप्सूल बना है। आठ जड़ी बूटियां इस दवाई के अंदर डाली गई हैं। अब दोस्तों मैं आपको खोल के इसके अंदर का पैक दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका पैकिंग है। तो दोस्तों इस तरीके का ये पत्ता निकलता है गोल्ड कलर का, और एक पत्ते के अंदर 10 कैप्सूल होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके यूजेस के बारे में, किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका कैप्सूल डेली एनर्जाइज़र का काम करता है। अगर आपके शरीर में स्टैमिना की कमी है, अगर आपका शरीर वीक रहता है, आपको थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, आप जल्दी थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, और दोस्तों आपको वीकनेस की वजह से, थकान की वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आप गुस्से में रहते हैं, और दोस्तों अगर आपके शरीर का स्टैमिना डाउन हो गया है, तो उन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों झंडू विगोरेक्स काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी सालों से लोग इसका इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। काफ़ी फ़ायदा करता है ये, क्योंकि दोस्तों ये 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी दवाई है ये, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों इसका आप ये मान के चलो कि 100 में से 99% रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा पाया गया है इसका, और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है, थकान की, कमज़ोरी की, वीकनेस की, आपका शरीर का स्टैमिना डाउन है, आपके शरीर में स्टैमिना की कमी है, या आपको जो है थकान ज़्यादा रहती है, शरीर कमज़ोर है, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात और बता दूं मैं कि शरीर में जोश की कमी है, आप थक जाते हो, तो उस चीज़ को भी ये बढ़ाता है। दोस्तों ये आपके जोश को भी बढ़ाएगा, आपका माइंड भी रिलैक्स रखेगा, आपके जो है माइंड का जो स्ट्रेस है उसको भी कम करेगा, आप जो है मेंटली फ्री रहने लगोगे इस कैप्सूल को खाने के बाद। तो दोस्तों ये सब दिक्कतें जो आती हैं लाइफ के अंदर, जैसे आप काफ़ी बिजी रहते हो, आपका वर्क जो है काफ़ी हार्ड वर्क है, आप जो है अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हो, तो दोस्तों ये सब ज़्यादा वर्क करने से, ज़्यादा काम में बिजी रहने से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, हम टेंशन में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सब इसी चीज़ के लिए होती हैं कि आपका माइंड भी फ्रेश रहे, और जो है आप जो है मेंटली जो है फ्री रहें बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप मेंटली फ्री रहेंगे तो आप अपने घर परिवार को, अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम भी दे पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छी दवाई है ये। और दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, किसको लेना कैसे है, इसका खाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आपको ये कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम लेना है दूध के साथ, और दोस्तों आप लेने को तो पानी के साथ भी इसको ले सकते हो, लेकिन आप दूध के साथ लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आप सुबह शाम दोनों टाइम लें, और दोस्तों आप इसको रेगुलर जो है 2 से 3 महीने तक खाएँ, क्योंकि दोस्तों ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है,
तो आप इसको रेगुलर अगर 2-3 महीने तक लोगे तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक कैप्सूल धीरे धीरे असर दिखाता है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश दवाई होती है वो एकाएक रिजल्ट देती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई होती है उसका असर होने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों आप इसको रेगुलर 2-3 महीने तक रेगुलर खाएं, तब आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा और आपको महसूस भी होगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल का, इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल है। इसके अंदर जितने भी जड़ी बूटियां डाली गई हैं वो 100% आयुर्वेदिक हैं, तो इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बेफिक्र हो के इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, थकान की, कमजोरी की, वीकनेस की, स्टेमिना की, और आपका जो है जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सारी आपकी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों आपको ये कैप्सूल आपके नज़दीकी किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होता है, काफ़ी बिकता है मार्केट में प्रोडक्ट, इसकी सेल भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों इसका ऐड भी टीवी पे काफ़ी दिखाते हैं, अखबारों में भी इसका ऐड आता है, तो आपको ये हर जगह, कहीं भी आप रहते हो आपको हर जगह मिल जाएगा।